राज्य सरकार को एमएसपी धोखा, मिलर्स को इच्छारे चालुची मंडी, प्रशासन सह मिल मालिकों को लुचकाली, मिलर्स और अधिकारी मधुचंद्रिकार शोषण शिकार चाषी। गोटे पटे धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य 3400 टंका को वृद्धि पाई दाबी करुछंती राज्य सरकार, हेले राज्यर चाषी को मिलूनी वर्तमान एमएसपी 2040 टंका। धान किणा व्यवस्था चाषी सबु प्रकार शोषण शिकार होउछि। केतेबेले चाषी पाखरे धान थाई टोकन रो अवधि सरी जाउछि, आउ केतेबेले कटनी छटनी रो शिकार होउछि चाषी। सरकार मिलर मधुचंद्रिका जोगु अत्याचारित होउछि अन्नदाता, जेउथिपाई बाध्य होई पड़ोसी राज्य उपरे भरोसा करी धान देउछन्ति चाषी, जार सद्यतम उदाहरण देखिबा को मिलिछि जाजपुर जिल्लारे। जाजपुर जिलार 10 ब्लॉक रे पाखापाखि 167 पैक्स माध्यम 53,255 जन चाषी पंजीकृत करिथिले। हेले हरि मध्यरु 44,720 जन चाषी सरकार को व्यवस्था मध्यरे मंडी जरिया रे मिलर मानकु धान देछंती, हेले पाखापाखि 8,535 जन चाषी पंजीकृत करबा परे मध्य धान देइ नहंती। जो कथाटा सरकार कहते आम स्क्वाड गठन करंडी मानक आम स्क्वाड पठेबू चाषी मानक थैथान करूँ चाषी मान धाना सुरखुरी उठब आज्ञा गोटे परसेंट रे भी आज प्रतिफलित होना सरकार जो कलेक्टर जो प्रतिश्रुति आज पानी गार पाल्टी आषी मैंने आज सरकार भरोसा रखी पार ना आज मो कथ कौन मुझे सरकार आज भरोसा तुटे देती मो धान गंडा को मुझे आसंता वर्ष निष्पत्ति नहीं मुझे बाहर राज्य चाषी मानक सरी मिलर्स मानक देदेवि आम धान मंडी में भी 10-12 दिन पर्यटन जगी रोचु गाड़ी आसूनी जो प्रोब्लेम सम्मुखीन होम पश्चिम बंगर आम जो मिलर आसने धान नौ कौन कंट्री छटनी ना आम से 2000 रेट आमको नहीं जामर किसी असुविधा होनी आम चाहूँ स्वागत करुचु से आम धानटा नहीं गले आम स्वागत कर सब धानटा से नहीं शुणिले तो चाषी कौन कहले जाजपुर जिले में मिलर और प्रशासन सांग को सरकार को अजब नीति से मंडी मध्यम धान बिक्री करिपारे बाधक साजिला। पश्चिम बंगरु आसुथिबा मिलर माने कोनोसी मूलचाल न करी समान मूल्य रे धान नै जाउछन्ति। आगामी दिन रे मध्य आमे राज्य सरकार को माध्यम रे मिलर मानकु धान न देई बाहर राज्यर व्यापारी को धान देबा पई से माने मनस्थ करिछन्ति। तबे हा तो केवल भातहांडी रु गोटिए भात चिपिबा परे कृषि विभाग तथ्य अनुसार चलित वर्ष खरीफ सीजन रे राज्य रे 46.25 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन होता बेले राज्य सरकार उत्पादन रो मात्र 47% धान अर्थात 65.33 लाख मेट्रिक टन धान किनी। कृषि मंत्री जिले में खरीफ सीजन रे 53,08,000 क्विंटल धान उत्पादन होता बेले राज्य सरकार चाषी मात्र 17,12,781 क्विंटल धान किनी। एवं कटक जिलार 9,573 जन पंजीकृत चाषी धान बिकिबारु वंचित होती। खरीफ सीजन अवधि शेष पर 1,61,368 जन पी पास रे पंजीकृत चाषी धान बिकिबारु वंचित होती। जाजपुर जिला जोगाण अधिकारी मध्य परोक्षरे एहाकु स्वीकार करिछंती। सिविल सप्लाई अंडर जो माने मिलर माने पाइछंती परमिशन धान किणिया पई से माने जो मंडी जोठी बसौछंती ए माने धान नै जाउछंती सेठी ताकु कोन करछंती ना माने मॉइश्चर हेछि ओदा हेछि एक रिटर्न करि दउछंती एमा जो ट्रांसपोर्टेशन करि जाइछंती तांकर से पैसा लॉस होला एवं ग्रेड कर दउछंती ए धानर मान एति पैसा हबो एति हबो गोटे बार्गेनिंग करछंती जोथि पई कि चासी माने फेडअप हे जाउछंती। 53,255 वेरीफाइड फार्मर करथिले एवं 44,720 जन चाषी आम धान 31 मार्च सुधा आम क्रय कर देछु। तो 31 मार्च पर तो आम मंडी खुला रहिला जो चाषी मैंने आसिले देले धान संग्रह प्रक्रिया को त्वरान्वित न करा हताश रे ओडिसा चाषी। राज्य सरकार निजर विफलता को लुचाइबा को जाय धान किणारे केन्द्र साहाज्य करूनथिबा कहउछन्ती, हेले राज्य सरकार को अधिकारी माने निज क्षमतार दुरुपयोग करिबा सह प्रशासनिक अपारगता एवं व्यापक अनियमितता पई धान संग्रह प्रक्रिया ठीक रे होई पारु नाही। जाजपुर रु परमेश्वर बेउरिया और झारसुगुड़ा रु सुरेंद्र बारिक को रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।